फ्री डिश पर अब नहीं दिखेंगे टॉप हिंदी चैनल्स। डीडी फ्री डिश टीवी देखने का मजा आप अब शायद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुछ टॉप ब्रॉडकास्टर ने अपने हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल्स प्रसार भारती के फ्री टू एयर प्लेटफॉर्म से हटाने का फैसला किया है। स्टार इंडिया, जी एंटरटेनमेंट, एंटरप्राइजेस, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, एसपीएन और वाईकॉम जैसे 18 टॉप ब्रॉडकास्टर के इस कदम से करीब 2.2 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे। अब वे जी अनमोल, स्टार उत्सव, रिश्ते सिनेप्लेक्स, स्टार भारत और सोनीपल जैसे पॉपुलर चैनल नहीं देख पाएंगे। एक टॉप ब्रॉडकास्टर के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि देश के 4 टॉप ब्रॉडकास्टर ने यह फैसला सर्वसम्मति से किया है कि वे एक भी हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल या मूवी चैनल फ्री डिश पर नहीं दिखाएंगे। कंपनियां ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि नए नियमों के चलते मौजूदा केबल और डीटीएच कस्टमर फ्री डिश की तरफ नहीं चले जाएं। फ्री डिश में उपभोक्ताओं को 80 चैनल मिलते हैं, डीडी में 33 चैनल्स होते हैं। ये सर्विस उपभोक्ताओं के लिए लाइफ टाइम फ्री है, उन्हें एक बार डिश और सेट टॉप बॉक्स के लिए पेमेंट करना होगा। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टर को स्लॉट बेचकर कमाई करती है। उसने पिछले दिनों एक गाइडलाइन बनाई थी और अब वो अपने प्लेटफॉर्म पर 54 स्लॉट के लिए ऑक्शन करा रही है। प्रसार भारती ने पिछला ऑक्शन जुलाई 2017 में कराया था, जिसमें 11 प्राइवेट चैनल्स को स्लॉट मिले थे। कई एक्सपर्ट का मानना है कि ब्रॉडकास्टर का ये फैसला कंज्यूमर्स को पे टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाने पर मजबूर करेगा, जिससे पब्लिक ब्रॉडकास्टर को भारी नुकसान होगा। दूरदर्शन ने डीडी फ्री डिश पहले ही डीडी डायरेक्ट प्लस को दिसंबर 2004 से 33 टीवी चैनल्स के साथ लॉन्च किया था। डीडीएच प्लेटफॉर्म पर चैनल्स की संख्या बढ़कर पहले 59 हुई, फिर दिसंबर 2014 में 104 तक पहुंच गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अच्छी पैठ बना ली थी, जिसके चलते प्राइवेट ब्रॉडकास्टर भी इसके प्लेटफॉर्म पर फ्री टू एयर चैनल्स दिखाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, WNA न्यूज़।